kilometers in north, in outskirts of Peshawar, lies a small village, Reghi, with Khyber Agency on its left and Mumad Agency on its right. Just 4 years ago, Reghi was no-go area because of the land dispute between tribesmen and the government. However, today, Reghi falls in district Peshawar with major developments like schools, hospitals and police station. My urge to know that how these people are living in the constant fear of terrorism and keeping their culture and tradition alive took me to Reghi. I also wanted to find out that how the socio-economic conditions of our country are affecting them. They warmly welcomed me in their village and we sat in a traditional hujra and let the discussion to take its course. यहाँ पर मसीकी भी है, यहाँ पे सारा कुछ है और इसके साथ साथ खौफ भी मौजूद है. खौफ भी मौजूद है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये सब कुछ हम बर्दाश्त करते हैं, इसके बावजूद कल्चर ले भी एंजॉय करते हैं. आप बताएं. हम पर वार ऑन टेरर या जहाद के नाम पर हम पर दो जंगें मुसल्लत की गई हैं. एक जंग जियोलहक के दौरान हुई थी, उसने अमेरिका को खुश करने के लिए, और वही कुछ मुशर्रफ के दौर में भी हुआ. उन्होंने वार ऑन टेरर के नाम पर हम पर एक जंग मुसल्लत की और उसका ईंधन खैबर पख्तूनख्वा के लोग बने. लेकिन इस पे भी वो कल्चर लाइफ को हम नहीं भूले हैं, हम अपनी पुश्तों को नहीं भूले हैं, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है. सर, क्या कैसे जिंदगी गुजर रही है इस सारे खौफ में? बस जी, हम तो सुबह जब निकलते हैं तो घर से यही आस निकलते हैं कि हम जाएंगे, पता नहीं वापस आएंगे भी कि नहीं. लेकिन हमारे लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है इस मुल्क की खातिर. लेकिन इस मुल्क ने, मैं तो ये समझूंगा कि इस मुल्क ने हमें कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया. ये महंगाई का आप ज़रा जायज़ा ले लें, कितनी महंगाई है. कसम खुदा की, लोग कभी चीनों के लिए तरस रहे हैं, कभी आटे के लिए तरस रहे हैं, कभी जो है घी के लिए तरस रहे हैं, और ये सब बेचारे ज़मींदार लोग हैं. बताएं, अगर चीनी का मसला हो तो ये लोग कतार में खड़े हो जाते हैं. ऊपर से गुर्बत का चीनी का लेना, दूसरे जो है ना पुलिस वालों का लाठी चार्ज वगैरह, ये सारे मसले जो है ना इनके पीछे बिल्कुल चिमटे हुए. मैं एक प्रेसिडेंट भी हूँ नेशनल पार्टी का, भी रिसेंटली चीफ ऑर्गेनाइजर भी हूँ रेगी का. तो हम अपने जिली सदर से भी टेलीफोन पर बात भी नहीं कर सकते, वो सुनते ही नहीं है, बंद कर देते हैं जनरल सेक्रेटरी के साथ. इस तरह पीपल पार्टी वाले बेचारे इधर उधर रो रहे फिर रहे हैं. बस ये मसला उन्होंने खड़ा किया कि तालिबान है, दहशतगर्दी है, अमन अमान है. तो ठीक है, हमें भी ये पता है कि दहशतगर्दी है, तालिबान है या कुछ और मसले, तो ये बेचारे क्या करेंगे. इधर रोटी का मसला, इधर चीनी का मसला, इधर अच्छा, आटे का मसला, इधर चाय का मसला, तो किस तरह वो भी. मैं ये सारी सिक्योरिटी से मैं दोबारा मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बात करना चाहूँगा कि सियासतदान को आप कितना जिम्मेदार समझते हैं मौजूदा हालात का? आप सियासतदान को कितना जिम्मेदार समझते हैं? तो सियासतदानों को इसका मतलब बहुत जिम्मेदार समझते हैं. ठीक है, सियासतदान भी इन्वॉल्व है इसमें, ब्यूरोक्रेट भी मिलवान है इसमें, आपके मीडिया वाले भी जो है ना थोड़ा बहुत जो है ना वो. मीडिया का किरदार कैसे समझते हैं आप? क्या मीडिया का किरदार पॉजिटिव है, लेकिन बाद जगहों पे वो जो है ना जैसे जैसे करते हैं, जैसे जिस तरह जो है ना सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत का टकराव जो बार बार इस पर हो, तो इस तरीके से तो मुल्क तबाह हो जाएगा. एक मिड टर्म इलेक्शन और इस तरह तो जो है ना वो मेरे ख्याल में हुकूमत पर बोझ नहीं, फिर भी गरीब आवाम के पीछे जो है ना अरबों रुपए इलेक्शन पे खर्च होंगे. ये मैं ये कहूँगा कि वो आप उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया के बारे में ये बाज लोग यानी ये कहते हैं कि ये ब्लैकमेलर है. अच्छा, मीडिया के बारे में कहते हैं? मीडिया के बारे में कहते हैं कि ये ब्लैकमेलर है, और ये पुश्तों में जो हम कहते हैं कि बात से बतंगड़ बना देता है. समझ तो आप भी कहते हैं मीडिया का ये रोल, मीडिया इस तरह कर रहा है, बात का बतंगड़ बना रहा है. मीडिया मिसाल एक आईने की सी है, जो कि जिसको अपना आप देखते हैं, लेकिन तो आपको शिकल अपना अगर गलत नजर आ रहा है तो इसमें मीडिया का कसूर नहीं है. लेकिन मीडिया वाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मामूली मामूली बातों को इतना वो न करें, प्रोजेक्शन न करें कि बात कुछ भी नहीं होती और ये इतना बढ़ा देते हैं कि हम उधर सहम जाते हैं, डर जाते हैं, क्योंकि बड़ा मामला बना. ठीक है, आप बताएं मीडिया का किरदार अगर
اتنا ٹھیک نہیں ہے تو اتنا خراب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی بیچارے لگ یہ لوگ آئے ہیں یہاں ریگی میں، رات کے وقت ہے، اگر یہ اتنا مطلب دلیر بن جائیں، اتنے دلیر کہ یہ یہاں سے واپس نکل نہ جائیں، مطلب یہ کردار میڈیا کا جو پازیٹیو کردار ہے یہ ہم سمجھتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اتنا نیک بھی نہیں بننا چاہیے، اس ملک میں اتنا نیک نہیں بن سکتے آدمی نیک کیوں نہیں بن سکتے؟ نیک اس لیے نہیں بن سکتے کہ مطلب میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یہاں سے اب نکلیں گے نا، آپ نے اگر حکومت کے بارے میں تھوڑا سا بھی جو ہے نا وہ کیا تو آپ یہاں سے خدا نہ کرے تو آپ یہاں سے یہ ہمارا پھول ہے نا خوڑ پہ اس سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے مطلب ایجنسیاں اتنی تیز ہے کہ اس کو ذرہ ذرہ کا جو ہے نا پتہ چلتا ہے، تو مطلب درمیان میں رہنا چاہیے۔ اس کا مطلب سیاستدانوں کا کردار اور میڈیا کا کردار آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیلنس ہونا چاہیے؟ بیلنس نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے۔ اچھا جی یہ بتائیں کہ یہ ماننا یہ مشکل حالات ہیں، ان مشکل حالات سے ہم لوگ نکل کیسے سکتے ہیں؟ آپ سارے بڑے، اگر ہمارے سیاستدانوں نے کچھ اللہ کا خوف کیا ہے، میں جھوٹ نہیں کہتا، سیاستدان ہمارا کرپ ہے، بالکل بالکل کرپ ہے جی بالکل، یہ مطلب ہے ایک ایک وزیر کے پاس 200 ملازم ہوتے ہیں، اس کے کتے کے لیے بھی گاڑی ہوتی ہے۔ جو ساری باتیں ہم لوگوں نے کی، مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے اس ملک کی طرف چلیں، سیاستدان کو ایک تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھول جائیں اور ہم اپنے سے شروع کریں اور ہم دیکھیں کہ ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ ہم غریب بندہ تو خون دے گا، ہمیشہ دیتا رہے، میری یہ آپ سے التجا ہے، آپ دعا بھی کریں، لیکن چونکہ یہ لوگ کہیں گے کہ اس کو دعا پر یقین نہیں ہے، مجھے دعا پر یقین ہے، دعا کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں پہلے دعا نہیں میں پہلے عمل کیا تھا، اس کے بعد دعا کیا، اللہ ہم کو محفوظ رکھنا ہے، ہم کو فتح دینا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے۔ ہماری وہ ہے کہ بڑی بڑی اجتماعی ہوتی ہیں، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ فلسطین کو آزاد کرے، اللہ پاکستان کا یہ کرے، لیکن پاکستان کے لیے پریکٹیکلی ہم کچھ کرتے نہیں ہیں۔ Once Buddha said, just as treasures are uncovered from the earth, so virtue appears from good deeds, and wisdom appears from a pure and peaceful mind. To walk safely through the maze of human life, one needs the light of wisdom and the guidance of virtue. With the message of peace and respect, this is Zuhaib Saleem Bhatt reporting for Express 24/7, Regi, Peshawar.